नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर पाक के पूर्व मंत्री की नापाक हरकत, केजरीवाल ने एक पोस्ट से कर दी बोलती बंद। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बीजेपी पर हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात, कहा इस बार होगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस के उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा वो 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे, वो पेट्रोल के दाम बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, कहा इंडिया गठबंधन को मिलेगी 300 से अधिक सीट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुरू किया नया अभियान, एक्स पर पोस्ट कर लिखा जहाँ दिखे भाजपाई वहाँ बिछाओ चारपाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में इस समय उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई चल रही है। इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है, नेताओं द्वारा जमकर बयानबाजी हो रही है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में इस समय उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी अमित शाह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 2019 में कहा था कि हम 75 साल और उससे अधिक उम्र के सभी नेताओं को रिटायर कर रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस नियम को लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि 75 साल की उम्र होने के बाद किसी को भी पार्टी और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस समय उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री ने एक एक करके सभी नेताओं को किनारे कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि इस बार सरकार पलटेगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने लोकसभा चुनाव को लेकर बात की और दीक्षित ने कहा कि उन्हें इंतजार है चुनाव जल्दी खत्म हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, जल्दी से रिजल्ट घोषित हो और नई सरकार बने। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की हार का दावा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पलट रही है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने वोट डालने के बाद कहा कि महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही लोगों को चुने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद कपिल देव ने कहा कि महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही लोगों को चुने। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र के अधीन हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही लोगों को चुने। सरकार क्या कर रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे, वो पेट्रोल के दाम बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि अगर भाजपा कह रही है कि वे जीत गई है तो वो बूथों के बाहर एक टेबल लगाकर क्यों बैठी है, वो घर जाए। वहीं आगे बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा 400 पार सीट की बात नहीं कर रही, बल्कि वो पेट्रोल के दाम बता रही है। आप सांसद संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन की जीत का भरोसा जताया और कहा कि इंडिया ब्लॉक को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। आप सांसद संजय सिंह ने लोगों से संविधान को मजबूत करने, लोकतंत्र की रक्षा करने और तानाशाही को खत्म करने के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। मैं भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि वे भारत के संविधान को मजबूत करने, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तानाशाही के अंत के लिए वोट करें। आज हम सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो सब कुछ संसद और विधानसभाओं के माध्यम से संचालित होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच महबूबा मुफ्ती सड़क पर बैठ गई और जमकर के प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने वोटिंग के बीच बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर ईवीएम खराब हैं, इस वजह से वो धरने पर बैठ गई हैं। ईवीएम में खराबी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने में बैठाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पाक के पूर्व मंत्री की नापाक हरकत, केजरीवाल ने एक पोस्ट से कर दी बोलती बंद। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के बीच पाकिस्तान की एंट्री हुई है। वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया।
लेकिन केजरीवाल के एक पोस्ट ने पाक के मंत्री की बोलती बंद कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी उतरे तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केजरीवाल ने ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना भी फवाद चौधरी ने नहीं की होगी। केजरीवाल ने सीधे तौर पर फवाद चौधरी को बता दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है और इसके साथ ही लिखा, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपना देश संभालिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी पर अखिलेश यादव ने जमकर तंज कसा और कहा कि जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में 6 चरणों में 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं राज्य में 7वें चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। सभा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है और बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मछली शहर में चुनावी सभा में बीजेपी पर हमला बोला था और सपा मुखिया ने कहा था कि अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं और संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।